Guys, welcome to my channel. So in this video, we'll be studying qualitative analysis of cations. So before that, we should actually know what is qualitative analysis. So basically, it is a technique which is used to identify and separate the cations and anions if in case we are given any sample substance. So in this video, we'll be dealing only with the qualitative analysis of cations, and I'll be giving you some simple tricks to memorize the cations which belong to a particular group and the chemicals which are used. So let's just start. So group 1 में हमारे पास जो cations होते हैं वो हैं Ag+, Pb2+, Hg2 2+. ओके, तो इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा निमोनिक है हमारे पास, विच इज आज प्रभु होंगे. बहुत ही सिंपल है. सिंपली अगर आप याद कर लेंगे तो आज से हमारा Ag+ हो जाता है, प्रभु से Pb2+, एंड होंगे के लिए Hg2 2+ हो जाता है. ठीक है, नाउ अगर हम इसके ग्रुप रिएजेंट की बात करें तो ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट जो होता है वो होता है डाइल्यूट HCl. इट मींस दैट द कैटायंस ऑफ द ग्रुप 1 विल बी डिपॉजिटेड और प्रेसिपिटेटेड एज देयर क्लोराइड्स. यानी कि अगर हम ग्रुप 1 में डाइल्यूट HCl डालते हैं तो द कैटायंस ऑफ ग्रुप 1 विल बी डिपॉजिटेड एज देयर क्लोराइड्स. फॉर एग्जाम्पल AgCl बन सकता है, PbCl2 बन सकता है, या फिर Hg2Cl2 बन सकता है. अब इन तीनों का ही जो कलर होता है वो वाइट होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर हमें ये पता चल जाता है कि ग्रुप 1 है, डाइल्यूट HCl डाल के वाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ग्रुप 1 का कैटायन है, बट हाउ विल वी डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थ्री कैटायंस. उसके लिए हम फर्दर टेस्ट करते हैं और कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं. ठीक है, सो आगे हम क्या करते हैं कि अगर हम इनमें कोल्ड वाटर डालें, यानी कि ठंडा पानी डालें, तो ठंडा पानी डालने पे अगर हमारे कोई भी सॉल्युबल नहीं होते हैं, नन ऑफ देम आर सॉल्युबल, देन हमें पता चलता है कि हाँ ये ग्रुप 1 का ही कैटायन है. लेकिन अगर हम इसमें हॉट वाटर डालते हैं, ठीक है, हॉट वाटर डालने पर इन तीनों में से सिर्फ PbCl2 ही एक ऐसा सॉल्ट है जो कि डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, PbCl2 dissolves, but this also upon cooling, अगर इसको आप कूल करेंगे तो अगेन PbCl2 की जो है PPT हमें बाहर आती हुई दिखाई देगी. नाउ अगर हमें कंफर्म करना है कि हाँ भाई ये PbCl2 ही है, यानी कि Pb2+ का ही कैटायन है, तो इसके लिए हम कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं. सो वी हैव टू कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर दिस. तो अगर हम उसी में या तो पोटेशियम आयोडाइड डाल दें तो इट विल बी प्रेसिपिटेटेड एज PbI2, दैट इज लेड आयोडाइड के फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट होगा, जिसकी आपको एक क्लियर येलो पीपीटी दिखाई देगी. और हम इसके अंदर पोटेशियम क्रोमेट भी डाल सकते हैं, विच विल फॉर्म लेड क्रोमेट, एंड इसका भी आपको येलो कलर का पीपीटी दिखाई देता है. आगे बात समझ में? तो यहाँ से हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ हमारे पास पीबी टू प्लस कैटायन ही है. अब ये तो तब की बात हुई जब हमने हॉट वाटर डाला और हमें डिसॉल्व होता हुआ दिखाई दे गया, तो हमें पता चला कि हाँ लेड हो सकता है. लेकिन व्हाट इफ हॉट वाटर डालने पे भी डिसॉल्व नहीं होता है, देन हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं कि या तो वो AgCl यानी कि Ag+ हो सकता है कैटायन उसके अंदर, या फिर वो Hg2Cl2 हो सकता है, यानी कि Hg2 2+ का कैटायन हो सकता है. अब इसको कंफर्म करने के लिए हम फर्दर टेस्ट करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं. तो Ag प्लस के लिए हम क्या करते हैं, अगेन वी हैव टू कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर दिस. या तो हम इसके अंदर भी पोटेशियम क्रोमेट डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर अमोनिया डाल सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम पोटेशियम क्रोमेट डालते हैं इसके अंदर तो इट विल फॉर्म PPT of Ag2CrO4, which is brick red color PPT. और अगर हम इसमें अमोनिया डालते हैं तो
इट विल फॉर्म अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑफ बायोमीन सिल्वर कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये ऐसा जो कि सॉल्युबल होता है ओके. बट अगर हम इसके अंदर फर्दर डाइल्यूट HNO3 डाल देंगे यानी कि नाइट्रिक एसिड डाल दें तो इट विल फॉर्म AgCl का वाइट PPT वंस अगेन ओके. नाउ बेसिकली इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो HNO3 है इट विल प्रोवाइड H प्लस टू दिस कॉम्प्लेक्स ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे NH4+ बना लेगा प्लस यहाँ पे इट विल फ्री द Ag प्लस कैटायन व्हिच विल कंबाइन विद Cl माइनस टू गिव यू AgCl का PPT ओके. अगर ये नहीं होता है ऐड करने पर ऐसा देन वी कैन से कि हाँ हो सकता है कि इसके अंदर Hg2+ का कैटायन हो. एंड टू कंफर्म दैट हम इसके अंदर SnCl2 डालते हैं व्हिच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट ओके. सो इट विल रिड्यूस Hg2+ का कैटायन टू फॉर्म मर्क्यूरी प्लस SnCl4 बना लेगा यहाँ पे. नाउ इट इज हैविंग ग्रे कलर तो हमें ग्रे कलर दिखाई देगा. सो वी कंफर्म्स दैट कि हाँ इसके अंदर Hg2+ कैटायन प्रेजेंट है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ वील मूव ऑन टू ग्रुप टू. सो नेक्स्ट ग्रुप इज ग्रुप टू. ग्रुप टू में हमारे पास थोड़े से ज्यादा कैटायंस होते हैं. सो लेट्स सी व्हिच ऑल कैटायंस आर देयर. देयर इज Cd2+ Sn+2 Pb+2. रिमेंबर दैट Pb+2 वाज देयर इन ग्रुप वन आल्सो. Hg2+ ग्रुप वन में Hg2+ था. यहाँ पे Hg2+ है यानी कि ग्रुप वन में हमारे पास मर्क्यूरस कैटायन था मर्करी का और यहाँ पे हमारे पास मर्क्यूरिक कैटायन ठीक है. नेक्स्ट हिज बिस्मिथ का कैटायन देन कॉपर देन आर्सेनिक एंड देन अगेन Sn+4 ठीक है. इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है इजी सा जो एक बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा ठीक है. व्हिच इज सी सीडी सुनकर प्रभु हो गए बीमार. सीडी सुनकर प्रभु हो गए बीमार. कुछ ऐसा सुना चार बार ठीक है. देखो अब सीडी मतलब वही कैसेट. सीडी सुनकर प्रभु हो गए बीमार. कुछ ऐसा सुना चार बार. ये चार बार इसीलिए बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे Sn+2 है और Sn+4 है. ये चार बार से आपको ये याद रहेगा कि हाँ यहाँ पे +4 चार्ज है Sn के ऊपर. आगे बात समझ में ठीक है. अब आता है इसका ग्रुप रिएजेंट. ग्रुप रिएजेंट है यहाँ पे H2S इन डाइल्यूट HCl. कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई सैंपल दिया जाएगा आप सबसे पहले ग्रुप वन टेस्ट करते हो तो उसमें डाइल्यूट HCl डालते हो. अगर वो प्रेसिपिटेट नहीं होता है उस इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्लोराइड कुछ भी प्रेसिपिटेट नहीं आया यानी कि ग्रुप वन प्रेजेंट नहीं है तो आप क्या करते हो उसके अंदर फिर H2S गैस पास कराते हो. देन हमारा ग्रुप टू का टेस्ट स्टार्ट होता है. तो ये इसका ग्रुप रिएजेंट होता है. अगर ऐसा करने पर हमें प्रेसिपिटेट दिखाई देता है यानी कि ग्रुप टू प्रेजेंट है एंड प्रेसिपिटेट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इट्स सल्फाइड्स तो क्या क्या सल्फाइड्स बनेंगे यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग CdS SnS PbS HgS बिस्मथ सल्फाइड बनेगा यहाँ पर कॉपर सल्फाइड देन As2S3 SnS2. आगे बात समझ में. अब इनके जो कलर है वो याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अब कलर याद करने के लिए वैसे तो याद ही करने पड़ते हैं लेकिन एक मैं सिंपल सा तरीका बता रही हूँ. देखो यहाँ पे क्या करना सब इसको इसी ऑर्डर में याद रखोगे तो याद हो जाएंगे कलर. यहाँ पे फर्स्ट वाले में वाई लिखो एंड आखिरी के लास्ट दो में वाई लिखो ठीक है. देन यहाँ से सेकेंड वाले में Br लिखो और बाकी सब में Bl 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 Bl. Now this Y is yellow, Br is brown, Bl is black and Y is yellow.
अगर आप इसी ऑर्डर में याद रखोगे तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज कलर याद करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट इफ सेम ऑर्डर में लिखोगे तो इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे कलर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है आप इसके अंदर एक वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, वो वर्ड याद कर लो, अनशन, ठीक है। अनशन करना होता है, अनशन करने बैठे आते हैं कुछ लोग, अनशन याद रखना है आपको। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अन रिप्रेजेंट कर रहा है As+3, और शन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास Sn+2 और Sn+4 को। अब ये इसीलिए लिखा है क्योंकि हमें कभी कभी वो क्वेश्चन अगर पूछ लेता है डिजोल्व वगैरह का, तो उसके लिए आई हैव सीन सर्टेन क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हमें ये याद रखना है कि ये अनशन वाले जो हमारे कैटायन्स हैं, यानी कि आर्सेनिक, और ये जो हमारा Sn+2 और +4 कैटायन है, दीज डिजोल्व इन यास, ठीक है। नाउ डिजोल्व इन यास, व्हाट इज यास? यास इज येलो अमोनियम सल्फाइड। आ रही है बात समझ में? सो इसको एक तरीके से टेस्ट समझ लो। टेस्ट ऐसे समझ लो कि मान लो H2S पास करने पर HCl में हमारा प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि कौन सा कैटायन है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको यास में डिजोल्व कर सकते हैं, यानी कि अमोनियम सल्फाइड में अमोनियम सल्फाइड हम डाल के देख सकते हैं। अगर वो डिजोल्व हो जाती है PPT, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि या तो हमारे पास As+3 कैटायन हो सकता है, या फिर Sn+2 या Sn+4 कैटायन हो सकता है। तो थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगी हमारी जो भी क्वेरी होती है, ठीक है। देन एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि वन ब्लैक पीपीटी, देर इज वन ब्लैक पीपीटी विच यू हैव टू टेल, वन ब्लैक पीपीटी विच डज नॉट डिजोल्व इन एनी एसिड। हमें एक ऐसी ब्लैक पीपीटी का नाम बताना है जो कि डिजोल्व नहीं होती है किसी भी एसिड में, नॉट इन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, बट ओनली डिजोल्व्स इन एक्वा रीजिया, ठीक है। तो ये हमें बताना है, तो इसका क्योंकि ये इसी ग्रुप में बनता है ये जो कंपाउंड है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ बता दिया, जो कि पूछ लिया जाता है। सो दिस कंपाउंड इज HGS, दैट इज मर्क्यूरिक सल्फाइड है ये हमारा कंपाउंड, जो कि प्योरली ब्लैक होता है कलर में। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, हम कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट देखते हैं, लाइक फॉर कॉपर। नाउ कॉपर के केस में कॉपर सल्फाइड हमारे पास होगा PPT जब हम H2S गैस पास करेंगे तो। सो वी हैव लाइक टू टेस्ट फॉर दिस। वन, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऐड पोटेशियम आयोडाइड टू इट, ठीक है। और हम यहाँ पे एक फेरोसाइनाइड का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ऐड करेंगे, तो जब हम फेरोसाइनाइड का कॉम्प्लेक्स ऐड करेंगे तो उस केस में हमारे पास एक चॉकलेटी कलर की PPT बनेगी, क्योंकि कॉपर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है ये फेरोसाइनाइड के साथ, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये, विच इज हैविंग चॉकलेटी PPT, ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड डालने पर ये सबसे पहले कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि अनस्टेबल होता है। सो इट कन्वर्ट्स टू Cu2I2+I2। सो ये जो होता है कंपाउंड हमारा येलो कलर का होता है, तो आपको एक येलो कलर की PPT दिखाई देगी। नेक्स्ट अगर हम देखें टेन के लिए, Sn+2 के लिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली HgCl2 यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इट विल डू, इट विल सिंपली रिड्यूस द मर्करी हियर एंड ऑक्सीडाइज द टेन। तो टेन जो होगा Sn+4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे मर्करी हमें मिलेगा जिसकी ग्रे कलर की PPT होगी। आपको याद होगा हम सिमिलर सा टेस्ट जो है हमने ग्रुप 1 में पढ़ा था, जहाँ पे हम मर्क्यूरी के लिए टेस्ट पढ़ रहे थे कंफर्मेटरी, और वहां पे हम SnCl2 डालते हैं विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड देयर ऑल्सो वी गेट दिस ग्रे कलर PPT ऑफ मर्क्यूरी, ओके। नेक्स्ट वी हैव टेस्ट फॉर कैडमियम Cd+2। इसके केस में हम क्या करते हैं, हम
KCN ऐड करते हैं, पोटेशियम साइनाइड ऐड करते हैं, देन इट फॉर्म CDCN होल ट्वाइस विच इज व्हाइट कलर पीपीटी। ठीक है, इसके अंदर अगर हम फर्दर KCN ऐड करते हैं यानी कि एक्सेस में लेते हैं हम KCN को, तो हमें हमारा ये जो व्हाइट पीपीटी है ये डिजोल्व हो जाता है बिकॉज इट फॉर्म्स दिस कॉम्प्लेक्स विद साइनाइड लिगेंड। नाउ दिस फॉर्म्स अ क्लियर सोल्यूशन। आ गई बात समझ में? ठीक है, सो दिस वॉज फॉर कैडमियम। सो द लास्ट वी सी हियर इज फॉर बिस्मिथ। बिस्मिथ के केस में हम सबसे पहले यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, सो इट फॉर्म दिस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देन वी ऐड हियर अमोनियम क्लोराइड जिसकी वजह से यहाँ पे बिस्मिथ क्लोराइड फॉर्म हो जाता है। देन वी ऐड हियर H2O, इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये बनता है BiOCl जिसकी हमें व्हाइट कलर की पीपीटी दिखाई देती है सोल्यूशन। Okay, so these were some of the tests for group 2 cations. I hope it is clear to you and आपको थोड़ा याद करने में और इसको पिक्चराइज करने में आसानी होगी। Now let us move forward to group 3. Okay, so next we have is group 3. Group 3 में सिर्फ तीन ही cations होते हैं, which is Fe plus 3, Al plus 3 एंड Cr+3। इनको याद करना बहुत ही आसान है, निमोनिक की क्या कोई जरूरत नहीं है। इसको तुम इसी ऑर्डर में अगर हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होगा, ये फील कर, तो कुछ नहीं है, बस इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करो और ये याद हो जाएगा, फील कर। Fe+3, Al+3, Cr+3। नेक्स्ट हमें देखना है कि इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है। ग्रुप रिएजेंट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Cl, ये इसका ग्रुप रिएजेंट होता है। एंड जो ग्रुप 3 के कैटायंस होते हैं दे प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ दियर हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, एंड CrOH होल थ्राइस। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, विच इज कि व्हाई डू वी ऐड NH4Cl, व्हाई डू वी ऐड NH4Cl हियर। ठीक है, अब देखो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है लेकिन ये पता होना बहुत जरूरी है। जबकि ये हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं तो हमें NH4Cl डालने की क्या जरूरत है, वो इसीलिए जरूरत है बिकॉज NH4OH जो है ये क्या बनाएगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, एंड बिकॉज ऑफ दिस OH माइनस जो कैटायंस हैं दे प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ दियर हाइड्रोक्साइड। नाउ टू प्रिवेंट कि कोई भी हायर ग्रुप के जो कैटायंस हैं वो कहीं हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट ना हो जाए, तो हम इसके अंदर NH4Cl डालते हैं, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वो NH4 प्लस और Cl माइनस बनाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा जिसकी वजह से द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल डिक्रीज, सो इतने ज्यादा OH माइनस नहीं होंगे हमारे सॉल्यूशन में कि कोई और ग्रुप हायर का को जो कैटायन है, कोई हायर ग्रुप का जो कैटायन है वो प्रेसिपिटेट हो जाए। सो इसीलिए हम क्या करते हैं उसके अंदर NH4Cl ऐड करते हैं, सो दैट वी कुड रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अवेलेबल इन द गिवन सॉल्यूशन। ओके, आगे मूव करते हैं। अब हमें देखना है, अब हमने पढ़ा था कि ये हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, सो हमारे पास FeOH होल थ्राइस बन सकता है, AlOH होल थ्राइस बन सकता है या CrOH होल थ्राइस बनेगा। अब इनके जो कलर्स होते हैं बहुत ही डिफरेंट और स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। अब आयरन जो है यहाँ पर रेड ब्राउन का कलर दिखाता है, ठीक है, रेड ब्राउन कलर दिखाएगा। एल्यूमिनियम व्हाइट कलर दिखाता है, वेयर एज क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड ग्रीन कलर का पीपीटी फॉर्म करता है। अब ये तो हो गया लेकिन हमें इसके आगे चाहिए कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट, विच इज वेरी सिंपल इन दिस केस। ऑल वी हैव टू डू इज एड NaOH टू द सॉल्यूशन। देखो अगर हम NaOH डालते हैं इसके अंदर और तुरंत हमारा जो प्रेसिपिटेट है वो डिजोल्व हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि The cation we have is aluminium because it immediately dissolve on adding NaOH to form NaAlO2. ठीक है, ये यहाँ पे dissolve हो जाता है। लेकिन अगर हमारा precipitate dissolve नहीं हुआ है NaOH डालने पर, so हम उसके अंदर एक mild oxidizing agent डालेंगे
फॉर एग्जाम्पल H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, और अगर तब हमारी पीपीटी डिजोल्व हो जाती है इसका मतलब है कि द कटायन विच वी हैव इज Cr+3। बट अगर ऐसा करने पर भी डिजोल्व नहीं हो रहा है देन वी एड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू द सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल HNO3 डाल के हम देखेंगे या फिर KMnO4 भी डाल सकते हैं, बोथ आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर तब हमारी प्रेसिपिटेट जो है वो डिजोल्व हो जाती है देन उसके अंदर Fe+3 होता है कैटायन। ठीक है, ऑल्सो आयरन का कैटायन दैट इज फेरिक कैटायन होने के को कंफर्म करने के लिए वी हैव अनदर टेस्ट ऑल्सो। वॉट यू कुड डू इज यू कैन एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम थायोसाइनेट, ठीक है, या फिर अमोनियम थायोसाइनेट भी डाल सकते हैं, एंड इट विल फॉर्म इमीडिएटली अ ब्लड रेड पीपीटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विच इज फेरिक थायोसाइनेट। इसका प्रेसिपिटेट ये यहाँ पर बना लेगा विच इज ब्लड रेड इन कलर, इसका पीपीटी बन जाएगा यहाँ पर। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया ग्रुप 3। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के ग्रुप्स क्लियर करने वाले हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट जब इसका कंटिन्यूअस लेक्चर आता है सो यू डू नॉट मिस दैट। ओके, सी यू।